लैंडस्केप ड्रॉ करवा रहा हूँ मैं आपको। पहले सबसे हम लाइट लाइट ड्रॉ कर लेंगे पेंसिल के साथ, ठीक है। उसके बाद हम उसमें कलर स्टार्ट कर देंगे। ये देख सकते हो आप, मैं लैंडस्केप ड्रॉ कर रहा हूँ, ब्लेजेस का सीन है बेटा। ठीक है बच्चे, मैंने सिर्फ लवली ड्रॉ किया है, उसके बाद अभी मैं अभी स्टार्ट करने वाला हूँ। मार्कर के साथ पता चलेगा आपको, मैं आउटलाइनिंग करके बता दूँगा आपको। सबसे पहले देखो, अभी दिखेगा बेटा, अब देखो, अब ठीक है ना। एक ट्री ड्रॉ किया है मैंने पहले साइड पे, ठीक है। आपको लैंडस्केप करवा रहा हूँ मैं, ठीक है। ट्री के लीव्स बना रहा हूँ अभी, ट्री को ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ करने के बाद हम लोग कलर्स फिल करेंगे। अब रास्ता ड्रॉ करेंगे हम यहाँ से साइड्स। और यहाँ पे स्मॉल स्मॉल से जो पौधे होते हैं वो ड्रॉ करो। बच्चे लैंडस्केप ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, बच्चे सबसे पहले हम बैकग्राउंड में कलर्स करते हैं, ठीक है। जैसे कोई भी लैंडस्केप हो तो हम उसमें बैकग्राउंड में करते हैं सबसे पहले। लैंडस्केप में तो क्या कोई भी चीज़ होती है, अगर उसका बैकग्राउंड दिखाना है तो हम उसको पहले बैकग्राउंड में कलर्स करेंगे, फिर जो चीज़ बनाई होती है उसमें कलर्स करते हैं। तो बैकग्राउंड में सबसे पहले आसमान होता है तो आसमान में कलर करते हैं। बाद हम किसी कॉटन के साथ या किसी टिश्यू पेपर के साथ या किसी कपड़े के साथ उसको मिक्स कर देंगे इसे स्काई को। आसमान में स्काई ब्लू कलर फिल करने के बाद हम उसको ऐसे मिक्स कर देंगे किसी कपड़े के साथ या किसी कॉटन के साथ। मिक्स करने के बाद हम उसमें आसमान, तो हमारा बैकग्राउंड तो रेडी हो चुका है। अब उसके बाद हम ट्री में कलर करेंगे। ट्री में हम पहले येलो कलर करेंगे उसकी लाइट ऑन दिखाने के लिए।
उसके बाद उसकी डार्क टोन। अब वैसे ही इसको, जैसे मैंने आसमान को मिक्स किया था, अब वैसे ही इसको मिक्स कर देंगे। अब उसके बाद रह जाएगा हमारा जो ब्लेंड कर। यहाँ पे मैंने ऑर्थोकलर यूज़ किया है। अब उसके बाद जो छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल पौधे हैं वहाँ पे हम ग्रीन कलर करेंगे। ऐसे जो हमारा लैंडस्केप है वो कंप्लीट हो जाएगा।